नमस्कार, आज हम बनाएंगे नागपुरी बटाटे भात। महाराष्ट्र में नागपुर, नागपुर मीन्स हमारे ऑरेंज सिटी। ऑरेंज सिटी में ये नागपुरी बटाटे भात बहुत फेमस है। ये बहुत अच्छे से, इतना अच्छा टेस्ट आता है इसका कि आप एकदम खुश हो जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए, चावल ले लिया हमने 2 कप, प्याज, नारियल, दही, जीरा, लौंग, नमक, हल्दी, इलायची, केसर, लहसुन, अदरक, लाल मिर्ची पाउडर, काजू और मूंगफली और बटाटे, मतलब आलू। इसको हमने छिलके निकाल के इसको हमने काट लिया था। इसे हम अभी फोर्क से ऐसे कर लेंगे, इसको होल कर लेंगे। कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें अभी हम ये जो आलू लिए थे ये हम फ्राई करेंगे। आप छोटे वाले जो आलू आते हैं ना, वो भी आप ले सकते हो। मेरे पास नहीं थे तो मैंने यही आलू, हमारे जो आलू है इसके छिलके निकाल के कट करके इसको होल कर लिए थे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ही, हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए। अभी उसी ऑयल में हम काजू को भी फ्राई कर लेंगे। ये भी हो चुके हैं, देखिए इसका कलर चेंज हो गया। मूँगफली है, मूँगफली को भी हमें फ्राई करना है। हल्का सा कलर चेंज होने के बाद इसे निकाल लेना है। अभी जार में हम प्याज ले लेंगे, नारियल ले लेंगे, अदरक, जीरा, लहसुन, इलायची, लौंग, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी। अभी इसे हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा अभी रेडी है ये पेस्ट। अभी इसे हम 2 बाउल में डिवाइड कर लेंगे, मसाला आधा आधा कर लेंगे। कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे, अब इसमें हम मसाला डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसे हमें अच्छे से भूनना है। तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये ऑयल छोड़ने लगेगा। इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। आप स्वादानुसार लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हो। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप और लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हो। देखिए इसने अभी इसमें हम जो हमने फ्राई करके आलू रखे थे वो हम डालेंगे इसमें, और इसको भी अच्छे से मिक्स करना है हमें। मसाला हमारा इतने अच्छे से भून चुका है कि उसका एकदम खुशबू आने लग गई है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, ये जो नागपुरी बटाटे भात जो है ये बहुत टेस्टी लगता है ये। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली और काजू जो हमने फ्राई करके रखे थे, इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए अब हम इसमें नमक डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया। अब गैस हमें एकदम लो मीडियम ही करना है। अब इसमें हम डालेंगे दही। दही डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे हम दूसरे गैस पर रख देंगे। देखिए इसको ढक्कन लगा के हम दूसरे गैस पर रख देंगे। अब दूसरे कढ़ाई में हम ऑयल ले लिया। ये देखिए अभी ये लो मीडियम पे हो जाएगा, ये 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। अब ऑयल ले लिया कढ़ाई में, उसी में हम दूसरा जो हमने मसाला लिया था, यही मसाला जो हमने डिवाइड कर लिया था, तो कढ़ाई में ऑयल डालकर हमने इसमें अभी ये मसाला भुनेंगे। उसी तरीके से हमें ये भी मसाला अच्छे से भुनना है। ये देखिए इसने भी ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने से क्या होता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब भी आप बनाते हो ना, तब आप थोड़ा सा हरा धनिया डाल के ही भूनते जाइए। अभी वो सब्ज़ी हमारी हो चुकी है, हम गैस ऑफ करके रख दिया। नमक डालेंगे स्वादानुसार, उधर भी हमने नमक डाला था इसलिए। अभी हम हमने इसी कटोरी से चावल लिया था 2 कटोरी, तो उतना ही हम पानी लेंगे, उससे डबल, मतलब 4 कटोरी हम पानी लेंगे।
अब इसमें हम डालेंगे चावल जो हमने अच्छे से वॉश करके रख दिया था। अब इसको होने देंगे, इसे 5 से 6 मिनट लगता है चावल पकने में। अब इसमें हम केसर डालेंगे। केसर में हमने थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी डाल दिया था, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप और अच्छा कलर चाहते हो तो आप इसमें फूड कलर डाल सकते हो, लेकिन हमने इसमें केसर डाला था इसी से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। ये आप एक बार बना कर देखिए, ये बहुत अच्छा बनता है। और अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो आप ये बना लीजिए, एकदम गेस्ट बोलेंगे वाह बहुत अच्छा चावल लगा, ये बहुत ही टेस्टी। आप कभी भी बना सकते हो, बहुत अच्छा बनता है ये। एक बार आप बनाकर देखिए और आपके अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा। ये देखिए अभी हमारा ये चावल देखिए हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने आलू की जो सब्ज़ी बनाई थी उसी मसाले में, वो अब हम इसमें सब ऐड करेंगे। देखिए कलर देखिए इसका कितना अच्छा आया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और धीरे से मिक्स कीजिए कि चावल हमारे टूटने नहीं चाहिए। अब इसमें हम और हरा धनिया डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करना है इसे 2 से। अब हम इसमें डालेंगे घी। ये देखिए हमने घी 2 बड़े चम्मच में घी डालूंगी, इससे इसका जो फ्लेवर आएगा ना वो एकदम उभर के आएगा खाने में। तो आप एक बार बनाकर देखिए फिर बताइए। देखिए अभी हम इसे से मिक्स करेंगे, एकदम लो मीडियम पे ही हमें इसे करना है। अब इसे हम ढक्कन लगा के रख देंगे, इसे थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक होने देंगे। ये देखिए मिक्स करना है, हल्के हाथ से ही मिक्स कीजिए। ये अभी हमारा हो चुका है, सर्व करने के लिए रेडी है। ये देखिए ये रेडी है। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिए।